Welcome to today's episode of Pick Scratch by Sex. Is that right? And today we'll be listening to Facts by Yash Sharma. And we have checked this music out pehle bhi and is a very talented artist and very good with his writing. So ye gana check karenge and we're gonna talk about it. Jo honest opinions hamare hai, wo hum dene wale hai. Also, if you enjoy the track, make sure to check the track out from the link below description mein aur comments mein. Iska link pinned hoga, go over there, check the track out directly from there and let the artist know what you think about it. Ek artist ko isse bahut zyada motivation milta hai agar tum khud jaake usko apne opinions do, tumhe jo bhi lagta hai. Without further ado, we are going to jump straight into it and talk about it ourselves. This is Big Scratch by Sex and we are listening to Facts by Yash Sharma. Let's get it. एक मिनट, वोकल्स में लेवल थोड़ा कम है बीट से. कोई रफ्तार जैसा आर्टिस्ट कर ले साइन मुझे, लेकिन भाई क्या कर्मा जैसा लक और टैलेंट है मुझ में, ये जो भी हो रहा है कुछ सालों से मेरे साथ में, दैट नो वन अंडरस्टैंड कि क्या बीती बेचारी, मुझ पे भरोसा इतना है खुद पे जितना भगवान पे भी ना यार. सब तू रफ्तार जैसा आर्टिस्ट कर ले साइन, पर मुझ में टैलेंट है कर्मा जैसे. भाई क्या कर्मा जैसा लग को आर्टिस्ट कर ले साइन मुझे, लेकिन भाई क्या तू रफ्तार जैसा आर्टिस्ट कर ले साइन मुझे, कर्मा जैसा लग को टैलेंट है मुझ में, ये जो भी हो रहा है कुछ सालों, लेकिन कर्मा जैसा लक और टैलेंट है मुझ में उसे मेरे साथ में, दैट नो वन अंडरस्टैंड कि क्या बीती बेचारी, मुझ पे भरोसा इतना है खुद पे जितना भगवान पे भी ना यार. सब मुझे खुद पे भरोसा इतना है कि जितना मुझे भगवान पे भी नहीं है. मैम कमेंडेबल यारी, मुझ पे भरोसा इतना है खुद पे जितना भगवान पे भी ना यार. सब बुलाते बट कोई कहने वाली बेबी ना, समझ नहीं आ रहा कहां खर्च. सैड माय मैन इज फ्रेंड जोन, दैट सैड. यार सब बुलाते पर कोई कहने वाली बेबी ना, मैं इतना स्टैमिना वाली ना दी सालों से मैंने, बट सब बुलाते मुझे कमीना. तुम मानो ना मानो बट ये कड़वा सच है, टैलेंट और मेहनत के आगे भी ब्रो काफी इफ एंड बट है. हां सिचुएशंस पहले से अब थोड़ी बेटर है, बट हार्ड वर्क के बाद भी यहां साला सिर्फ मनी करता मैटर है. गाड़ी हो हार्ड वर्क के बाद भी यहां बस मनी करता मैटर है. इसके बारे में मेरे जो थॉट्स है, मेरे को बस लगता है कि या मनी डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और मे बी पैसा लगा के तुम एक लेवल तक जा सकते हो और बहुत जल्दी जा सकते हो. जो टैलेंटेड लोग हैं जिन पे शायद पैसा नहीं है, उनसे शायद और जल्दी तुम वहां तक पहुंच सकते हो. बट मनी कैन ओनली टेक यू सो फार, ठीक है. मे बी वेरी फास्ट बट इट कैन ओनली टेक यू सो फार. बस एक जगह तक ही तुम्हें पहुंचा सकता है, उसके बाद तुम करोड़ों रुपए डाल लो, इट्स नॉट गोना हेल्प यू. अनलाइक एन आर्टिस्ट हुज गॉट टैलेंट पर शायद जिसमें पैसे नहीं है, शुरू का एक थ्रेशोल्ड होता है जिसको क्रॉस करना होता है, जो बहुत मुश्किल होता है. यूट्यूब के एग्जाम्पल से अगर मैं बोलूँ तो 1000 सब्स क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है. बट वंस यू आर क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड, इट्स वेरी ईजी टू कीप गोइंग. एंड इफ़ यू आर टैलेंटेड, तुम्हें मतलब कोई रोक नहीं सकता. एक आदमी पैसा लगा के जिसपे शायद उतना टैलेंट नहीं है, वो अगर यहाँ तक जा सकता है, तुम्हें अगर टाइम ज़्यादा भी लगे और तुम्हें टैलेंट है, तो तुम टैलेंट लेके कहीं तक भी पहुंच सकते हो और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता. सो आई नो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग इन द बिगिनिंग विद यू डोंट हैव एनफ मनी टू सपोर्ट योर ड्रीम्स, बट इफ यू कीप एट इट, आई एम श्योर लाइक इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट. और देयर इज नो स्टॉपिंग व्हेन यू हैव टैलेंट. पहले से अब थोड़ी बेटर है, बट हार्ड वर्क के बाद भी यहां साला सिर्फ मनी करता मैटर है. गाड़ी हो अच्छी तो लड़की आ जाए कि पांव में, जेबे हो खाली तो मुश्किल खड़ी मिलती राहों पे. सांसों के अलावा कुछ भी बचा नहीं है लाइफ में, लगता है जैसे कितनी मुसीबतों की वाइफ में. पीठ पीछे दे रहे गालियां, मुंह पे बनते जिगरे, इन चूतों के पास तो क्लेपन की शायद डिग्री. इनको देगी जवाब मेरी कलम, कुछ तो है लिख रही. वो दिन कब आएगा जब जिएंगे हम विद द बेफिक्र. दिस इज माय लाइफ डैम, स्टिल आई डोंट गिव फक टू यू, डोंट गेट मी रॉन्ग डूड, दिस इज ऑल अप टू यू. दिस इज माय लाइफ डैम, स्टिल आई डोंट गिव फक टू यू, डोंट गेट मी रॉन्ग डूड, दिस इज ऑल अप टू यू. सांसों से ज्यादा तो यहां आंसू चल रहे हैं मेरे, दूसरों से ज्यादा ब्रो अपने जल रहे हैं मेरे. लेके स्ट्रेस के से ज्यादा घूमता हूं लाइफ में, बट है ना बेकवाली मिस्टेक करनी ना मैंने, जेबे करके खा लिए अपने प्यारे
माशू का गाड़ी में आ रही है लेकिन माँ रिक्शा से आ रही है, सो पीपल हैव गॉट देयर प्रायोरिटीज मेस्ड अप, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. ओके, आई डोंट नो, आई हियर अ लॉट ऑफ कंप्लेनिंग इन द ट्रैक. आई अंडरस्टैंड लाइक सिचुएशन जो है एंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, बट या ओके. मारी है रिक्शा से और गाड़ी में माशूका है, हार ही मिली मैंने जब जब पासे फेंके हैं, सपनों पर मेरे इन्होंने काफी हाथ सेके हैं, भरोसा ही उठ चुका है प्यार. तो मेरे सपने जल रहे हैं, उससे गर्मी आ रही है, सो उससे लोग उस पे हाथ सेक रहे हैं और उससे मजे ले रहे हैं बेसिकली. के हैं भरोसा ही उठ चुका है प्यार के नाम से, क्योंकि सेक्स के बाद भी मैंने ब्रेकअप होते देखे हैं. हाउ टू बी पॉजिटिव आके मुझे सिखाना, चलने को मैं रेडी कहीं रास्ता तो दिखाना, अच्छे दिन आएंगे इसी बात पे मैं टिकारा, कहीं स्कैम ना हो जाए मेरे संग मोदी जी वाला, करना चाहते सब मिलके क्यों मेरा चक्का जाम, करना पाएंगे क्योंकि साथ मेरे ये आवाम, कड़वे है विचार गड़ी रावण जैसे इनके काम, तो फिर घर के बाहर लिखते क्यों ये जय सिया राम. गड़ी रावण जैसे इनके काम, तो फिर घर के बाहर लिखते क्यों ये जय सिया राम. रावण जैसे इनके काम है पर फिर भी घर के बाहर ये जैसी आराम क्यों लिखते हैं. ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसते, आई अंडरस्टैंड द वाइब ऑफ इट कि यार काम अच्छे नहीं है तो बाहर से बस दिखावा इनका रहता है कि अच्छे हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट द ट्रैक, लाइक अगर 90% बातें ट्रैक में है जिनसे मैं रिलेट नहीं करता हूँ या जो मेरे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, या मतलब जिनसे आई एम नॉट ऑन द सेम लाइंस एज ऑफ वट ही इज थिंकिंग, बट वो हमारा काम यहाँ पे नहीं है टू से वट आई फील एंड वट ही लाइक वट ही फील. उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो लाइक दैट इज वेरी नॉर्मल एंड दैट कैन हैपन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो मैं वो थोड़े थॉट में फंस गया था कि यार ओके लाइक इज ही मीनिंग दैट एंड ऑल ऑफ दैट, सो मैं उसमें थोड़ा घुस गया था. बट या अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉकिंग अबाउट द ट्रैक, आई थिंक बस एक ही करेक्शन मैं दूंगा इसमें कि मतलब इंजीनियरिंग के साइड से मैं एक ही करेक्शन दूंगा कि जो वोकल्स है उसका लेवल थोड़ा और लाउड हो सकता था बीट के हिसाब से. अपार्ट फ्रॉम दैट जो हुक था वो मेरे को लगा कि थोड़ा और क्लियर हो सकता था मैसेज, या फिर शायद क्योंकि ये जो ट्रैक है द ट्रैक इज कॉल्ड फैक्ट्स और पूरे ट्रैक में देर इज नॉट वन थिंग दैट इज टॉकिंग अबाउट. He's talking about facts and things that he believes in and how, you know, some unfortunate things in the society and his life, jo ho rahe, unke baare mein he's talking about in the track. So, matlab, ek bahut wide spectrum cover kiya gaya hai pure track mein. So, us hisab se mere ko lagta hai, hook mein, hook aur thoda, you know, puri cheez ko summarize karke keh sakta tha, something like that. I don't know. Mere ko wo thoda feel hai hook ke baare mein. Apart from that, ye toh corrections mere ko lage, ya cheezhe jahan pe thodi better ho sakti thi. But apart from that, I think the verses were very nice. Volume थोड़ा ज़्यादा रहता है, बस वो एक चीज़ है. The verses were very nice. जो ऑटोट्यून के साथ जो इस डिलीवरी में जो ऑटोट्यून है really fit so well. और बाकी जो वोकल का मिक्स था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ साउंडिंग था, वो मेरे को बहुत सही लगा. अबाउट इज व्यूज, मेरे को बस इतना ही कह रहे कि आई अंडरस्टैंड द फीलिंग कहाँ से ये सारी फीलिंग्स आ रही है, एंड लाइक वैन यू कीप वर्किंग एंड हसलिंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो काम नहीं करता है एंड यू जस्ट फील लाइक यार नथिंग इज गोइंग माई वे, सो एक ये टेंडेंसी एक आता है एंड फीलिंग. आई एम नॉट सेइंग कि आई वॉज नॉट देयर, आई डेफिनेटली वॉज देयर, बट लाइक हार्ट टू हार्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइक सिचुएशंस आर नॉट गोना चेंज इफ यू कीप कंप्लेनिंग अबाउट इट. एंड मतलब आई अंडरस्टैंड लाइक थिंग्स कैन बी रॉन्ग, थिंग्स माइट नॉट सीम राइट हमेशा, बट बोलने से लाइक इफ यू कीप कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर तुम कंप्लेन करके यू कीप वेटिंग कि यार ये सब जब तक ठीक नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, कुछ नहीं चेंज होगा ब्रो. हजारों सालों से यही सिस्टम रह चुका है और यही रहा है. इट्स नॉट लाइक हाउ थिंग्स वर्क वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस हिसाब से हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है. सो इफ यू कीप कंप्लेनिंग एंड कीप मूविंग ऑन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. करो भाई जितनी मर्जी कंप्लेन करो, वेंट करो गानों में और दिल की बातें कहो गानों में, कोई दिक्कत नहीं है. बट हर्ट टू हर्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यार स्टैग्नेंट मत रहो इस चीज़ के लिए. इफ यू कीप वेटिंग कि यार सिचुएशन चेंज होंगे फिर मैं आगे जाऊँगा, वो कभी नहीं होने वाला है. दुनिया ऐसे हमारे ऊपर ट्रैम्पल करके आगे चली जाएगी, हम वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे, विच इज़ यू नो नॉट एक्सपेक्टेड. वो ना हो तो अच्छा है, क्योंकि मूविंग ऑन फॉरवर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली आई ऑलवेज रिस्पेक्ट कि
तुम्हारे जो भी व्यूज हो, जो भी तुम्हारा ओपिनियंस हो, उसके बारे में अगर तुम ऑनेस्टली अपने ट्रैक्स पे बात करो, दैट इज वॉट म्यूजिक इज अबाउट, दैट इज वॉट हिप हॉप इज अबाउट. अगर तुम खुल के उसके बारे में बात कर सकते हो एंड लाइक दिस इज योर वर्ल्ड, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, तो जो भी मर्जी तुम बोलो, लाइक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दूसरे लोगों के क्या ओपिनियंस और क्या व्यूज है. तुम अपने ओपिनियंस डिसेंटली अगर रख रहे हो अपने ट्रैक्स पे, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. जैसे मैंने बोला कि 90% चीज़ें हैं इस ट्रैक पे जिसके साथ मैं ऑन द सेम लाइंस नहीं हूँ, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. लाइक आई एम चूजिंग टू लिसन टू योर ट्रैक एंड दैट इज माई कॉल. अगर मैं इससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रैक को बंद करके आगे जा सकता हूँ, दैट इज माई चॉइस. बट आई एम नोबडी टू टेल यू कि यार तू ट्रैक पे ये बोल सकता है या नहीं बोल सकता है. आई एम नोबडी और नोबडी एल्स इज एंटाइटल्ड टू दैट राइट. सो खुल के अपनी बातें करो यार ट्रैक्स में. टेक्निकली मैं बस सजेशन देना चाहूँगा यही कि ट्रैक का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, वोकल्स का गेन वॉल्यूम जो भी है थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, और हुक में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट वॉज अ नाइस ट्रैक. सो दैट इज वॉट आई थिंक अबाउट द ट्रैक. तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, जो व्यूअर्स हो देख रहे हो यार स्पेस मैम, लेट हिम नो अबाउट दैट. क्या लाइन्स तुम्हें हिट करी या किन लाइन्स के साथ तुम रिलेट करते हो नहीं करते, वॉट आर योर थाट्स, वो अगर नीचे बोलोगे तो बढ़िया सा सर्वे हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट गाने का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में है, मेक श्योर टू गो एंड चेक दैट आउट. भाई के चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे 610 सब्सक्राइबर्स है, बट इस गाने पे 5400 व्यूज है. गाना 3 जुलाई को आया था. दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग. लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू द ट्रैक. आई सजेस्ट कि तुम भी जाके गाने सुनो एंड लेट हिम नो व्हाट यू थिंक अबाउट द ट्रैक. लाइक आई सेड, रियली हेल्प्स एन आर्टिस्ट आउट. ठीक है, दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई थिंक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट. अगर तुमने दूसरे गाने नहीं सुने भाई के जिन पे मैंने वीडियोज बनाए, कैन गो टू हिज चैनल एंड चेक हिज ट्रैक आउट. वुड मीन अ लॉट टू हिम, आई एम श्योर. या थैंक्स वंस अगेन. आई लव द स्ट्रेस फैम मैन. वीडियो के अंदर तुम्हें और टैप्स मिल जाएंगे, सिमिलर वीडियोस देख सकते हो या फिर तुम मेरे गाने सुन सकते हो इफ यू विश. दैट्स प्रीटी मच इट. लाइक दबा दे. स्किन यू क्यों रुका तू है यहाँ, होना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ, तू मुझ पे तेरा साया.